एक एग्जांपल देता हूँ अंग्रेजी नाराज हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहा है माइक वाले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में माइक वाले भाषण दे रहा है, अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो तो उसका कल्चर बर्बाद कर दो, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो और कानून बना दिया इंडिया एजुकेशन एक्ट और सारे बर्बाद हो गए। इंडिया एजुकेशन एक्ट बना तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जितने कुकुर चला करते थे भारत देश में बंद हो गए सबके सब, इनलीगल हो गया कानून के आधार पे और सारे कुकुर खत्म हो गए। खुल गया कॉन्वेंट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल यूरोप में क्यों चलता है मैं बता देता हूँ। यूरोप का एक परंपरा है, मैं नहीं कहता खराब है या अच्छा है, लेकिन वहां पे कानून भी ऐसा है अमेरिका यूरोप जैसे कंट्री में, अगर 12 साल से बड़ा है बच्चा या बच्ची, वो चाहे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रह जाए, वो साथ में रहते हैं, उनको दिया जाता है लिविंग रिलेशनशिप। और ये मैं नहीं कह रहा, राजीव दीक्षित भी कहते हैं, मैं भी आज कहता हूँ लिविंग रिलेशनशिप के साथ में रहते हैं। स्टूडेंट के बच्चों का जन्म हो गया, बहुत ज्यादा लावारिस बच्चे चलते हैं वहां पे, उनका भरण पोषण पालन कौन करेगा? उनके लिए खुलते हैं गवर्नमेंट स्कूल। इसलिए वहां पे बताया जाता है कि ये टीचर नहीं है, ये ब्रदर है, ये मदर है, ये फादर है, ये सिस्टर है। क्यों? क्योंकि असली नहीं है ना, नकली सही काम चलाओ। भारत देश में क्या हुआ? जब कोलकाता में कॉन्वेंट स्कूल खुले तो वो चला नहीं पाया नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद न जाने कितने कॉन्वेंट स्कूल खुले। यूरोप में तो जरूरत है क्योंकि वहां लावारिस बच्चे होते हैं, भारत की क्या जरूरत है? यहां पे तो लावारिस बच्चे नहीं होते ना, यहां पे क्यों चलने चाहिए? ब्रदर मदर सिस्टर फादर कहां से ही आ गए? घर में तो एक बाप खुद का है, एक स्कूल में भी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजों का तो बास्टर्ड, जिसके दो बाप हो वो बास्टर्ड हो गया। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेज करके बास्टर्ड बना दिया जा रहा है, कहते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी है कि आप कह नहीं सकते। दुनिया के सारे देश अपने भाषा को प्राथमिकता देता है, जर्मन देता है, जापान देता है, फ्रांस देता है, भारत में नहीं है ऐसा। भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए थे ना। एजुकेशन सिस्टम को जब बर्बाद किया गया तो मैं कॉलेज कहता है कि जितने कॉन्वेंट स्कूल हम खोलते हैं इसमें सांस्कृतिक और सभ्यता जो है भारत का नहीं होगा। क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ में अंग्रेजों का कल्चर होगा। कॉन्वेंट स्कूल में हम कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं पर अंग्रेजियत जरूर देंगे, अंग्रेजी जरूर बताएंगे, अंग्रेजियत देंगे अंग्रेजों वाला। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि 10 12 साल 15 साल 25 साल बाद जब वो यूथ जाएगा देश के अंदर समाज में जाएगा तब वो अंग्रेजियों का ही तारीफ करेगा क्योंकि अंग्रेजियत दिया गया है, भारतीयता का विरोधी करेगा, सांस्कृतिक और सभ्यता भारत का उसको पसंद नहीं आएगा। तो जब समाज में जाएगा तो अंग्रेजों के एजेंट के जैसा काम करेगा, इसलिए अंग्रेजी दे दो, अंग्रेजी दे दो, भारत का कल्चर को बर्बाद कर दो। ये मैकॉले का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसका, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 2 फरवरी 1835 का स्टेटमेंट है उसका। अगला इनका क्या था? अगला इनका ये लॉजिक था कि हिंदी जो है ना, हिंदी हो या फिर तमिल तेलुगु गुजराती मराठी हो, जो इंसान का लोकल भाषा है उसी में पढ़ाया जाए, मातृभाषा में ही बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो समझ जाते हैं, उनका थिंकिंग पावर बढ़ जाता है। विदेशी भाषा में कोई सोच नहीं सकता, रटेगा, याद करेगा घंटों घंटों, रट के आंसर शीट पे उल्टी कर देगा, 90+ ले जाए, 2 महीने बाद क्या लिखा उसको याद नहीं रहता, सिर्फ रटना और उल्टी कर देना। आप जो पढ़ते हो आज सिलेबस सारा का सारा अंग्रेज का बनाया हुआ है, सारा का सारा मैं कॉले का बनाया हुआ है। मैं कॉले इस हिसाब से बनाया कि सिलेबस को पढ़ करके किसी भी हिंदुस्तानी का भला ना हो और अंग्रेज बन जाए। और कारण सिर्फ यही है आज का कि सब के सब पढ़े लिखे बेरोजगार घूमते हैं। आज जब भारत देश गुलाम था तो नोबेल लॉरियट आए, नोबेल प्राइज मिले, रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस। भारत देश जब आजाद हो गया तो नोबेल लॉरियट आना बंद कर दिए, किसी को नोबेल प्राइज मिल ही नहीं रहा है। किस आधार पे कहते हैं एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा है एजुकेशन सिस्टम डेवलप। आपको बता दूं, कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजियत से पढ़ा हुआ इंसान आज तक साइंटिस्ट नहीं बन पाया, साइंटिफिक मैनेजर बना है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम लोकल भाषा में पढ़े, अपने बात
बन पाया, डॉक्टर विजय भटकर मराठी में सोचता हूं इसलिए इतना बड़ा शोध कर पाया, इसलिए कहते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीईआरटी आज यही कहता है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, गांव गांव में स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, पर वहां से आते ऐसी डिग्री धारी। आज का तो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के आधार पे चलते, डिग्री बेस होते, नॉलेज बेस नहीं है। लोग तो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं ना, या डिग्री के लिए पढ़ता है, डिग्री के लिए ऐसा पढ़ता तो घर में रहता, डिग्री पहुंचाते घर में। ज्ञान के लिए पढ़ाई करना चाहिए, डिग्री के लिए नहीं करने का। पर चल रहा है जो सिस्टम, उससे सिर्फ डिग्री मिलती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलता है, आखिरी में एग्जाम रटा करके एग्जाम देकर के पास कर दिया जाता है। तो जिस देश में एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाए, वो देश का आगे डेवलपमेंट कैसे होगा? मैं जब 9th क्लास में जब हायर सेकेंडरी स्कूल में गया तो लिखा था एक लाइन, विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। तो जब विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं तो इनका फ्यूचर जब बनाया जाए, बदला जाए, तो देश अपने आप विकसित होगा। शायद बात मैं पहले जान जाता, इसलिए इन विद्यार्थी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया और देश भी साथ में बर्बाद हो गया। तो ये देशभक्ति है या देशद्रोही है, ये भारतीयता है या अंग्रेजियत है? मैं तो अंग्रेजियत मानता हूं, वैसा ही चल रहा है। एक नोबेल प्राइज नहीं मिला किसी को, कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाता जल्दी, अंग्रेजियत से निकला है। यही हो रहे हैं, जर्मन पूरा जर्मन में पढ़ाता है, जर्मन को एलर्जी है अंग्रेजी में, और जर्मन पूरा जर्मन भाषा में पढ़ाता है। जर्मन का बात छोड़ दो, चीन का बात छोड़ दो, सबसे छोटा कंट्री है डेनमार्क, जहां पे भी पूरे डेनिश भाषा में चलता है। भाषा के स्तर पर इतनी खराबी आई है, भारत के क्रांतिकारी तो कहते थे हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाएंगे, या फिर संस्कृत को बनाएंगे, नहीं हो पाए। आखिरी दो लाइन जाके मैं विराम दे देता हूं। मैं पहले जब आया तो एजुकेशन सिस्टम को तो बर्बाद किया है उसने, पूरे के पूरे चेक किया है, पूरा का पूरा सर्वे करा है कि भारत की कल्चर टीका किस पे है, तो उसको एक ही जवाब मिला, जो भारत का गुरुकुल टीका हुआ है वो गुरुकुल में पढ़ाया तो जाता ही है, भारत का सभ्यता और संस्कृति सिखाया जाता है। तो सारा भारत का कल्चर गुरुकुल के पे टीका था और इसको जो वो तोड़ दिया है, इंडिया एजुकेशन एक्ट से सब बर्बाद हो। दूसरी चीजें, उसने कानून व्यवस्था को भी बदल दिया। क्या बता आईपीसी लाया, जो आप कहते हो ना आईपीसी, आईपीसी नहीं है वो, आईरिश पीनल कोड है। क्यों लाया गया इसको? जिस देश में प्लान बनाया करते थे अंग्रेज, उस देश में ये आईपीसी ला देंगे। क्यों लाते थे? क्योंकि इनको गुलामों को न्याय नहीं दिया जाता, और आज वही चल रहा है। इंसान दादा से पोता बन जाता है, तारीख पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि गुलामों को नहीं दिया जाता न्याय, वही आज चल रहे हैं, न्याय भी नहीं मिलता। भारत देश में न्याय तो फ्री में मिलते थे, आज क्या होते हैं? केस चलेगा आपका, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। वकील के फीस बढ़ेंगे, जज के सैलरी मिलेंगे, केस वही का वही रहेगा। एक गरीब आदमी प्रॉपर्टी रख देता है कि केस लड़ने के लिए, न्याय लेने के लिए मिल नहीं पाता, क्योंकि इस देश में न्याय के लिए इतनी बड़ी विडंबना है, इतना बड़ा तरस है, कैसे कह दू भारत आजाद हो गया। सारे कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, लेकिन कुछ वही नहीं, चलते रहते हैं। और एक चीज मैं आपको याद दिला दू, भारत देश आजाद हुआ 1947 में, यूरोप का एक कल्चर रहा है हमेशा से, हमेशा क्या कल्चर है हमारा, जो दार्शनिक है ना, हमारा नहीं कह सकता मैं, अंग्रेजों का जो दार्शनिक है वो है प्लेटो। प्लेटो का कहना है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, इनको वस्त्रों के जैसा इस्तेमाल करो, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो वरना फेंक दो। और 1950 से पहले नारियों को, महिलाओं को नहीं दिया जाता था सुविधा से लेने के लिए। इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी एक थी सिमान दबोवा, 1950 में इसने स्त्री मुक्ति अभियान शुरू किया, तब जाकर के इनको कुछ सिटीजनशिप देना शुरू हुआ, और कोर्ट में इनका
वैल्यू बढ़ा, कितना बढ़ा? एक पुरुष का गवाही और तीन स्त्री का गवाही एक माना जाएगा। तो अंग्रेजों का तो सभ्यता है कि महिलाओं का इज्जत ना करो, स्त्रियों का इज्जत ना करो, माँ बेटियों का इज्जत ना करो, पशुओं के जैसा है, इनका भोग करो और फेंक दो। वही चीजें भारत में अब आ गया है। फिल्म देखो तो भाई जैसी नहीं बजाएगा, मतलब क्या है इसका? हमेशा से हमेशा नारियों को नीचा दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा भारत देश में। चाहे वही भारत देश है जहां पे न्याय के लिए इतना जाना पड़ता है, चाहे वही भारत देश है जहां पे नारियों का सम्मान नहीं होता है। इस देश में तो नारियों सर्वश्रेष्ठ नहीं है ना, भारत देश तो मातृ सत्तात्मक रहा है ना, शायद इसीलिए भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं बोला जाता, क्योंकि मातृ सत्तात्मक देश है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या इस भारत देश के लिए जान दे दिया? जहां पे आजादी आने के बाद मां बहनों का सम्मान नहीं किया जाएगा? शायद आपको जान करके दुख होगा कि भारत में सेकंड नंबर का क्राइम गरीब और बलात्कार माना जाता है। आजादी आई है कि झूठी आजादी है कि सच्ची आजादी है? झूठी आजादी मैं मानता हूं। वही भारत देश है जहां पर नवरात्रि के दिन नव दुर्गा का पूजा किया जाता है और खाना खिला के इनका पैर पढ़ के आशीर्वाद दिया जाता है। दूसरे दिन रेप और बलात्कार कैसे होते हैं? तेरे को बताया था सबके जमीर मर गए हैं। खुद को देशभक्त कहते हो आप, कुछ सोचते नहीं। देशभक्ति क्या है पहले इसे समझिएगा, फिर कहो आप देशभक्त है। काम करते हैं सबके सब पराजय वाले, काम करते हैं सब अंग्रेजों वाले, लेकिन क्या कहते हैं हम बहुत बड़े देशभक्त है? नहीं होता है। कई सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, पता है आपको? जो रेप केसेस बहुत ज्यादा पेपर में आ जाते हैं उसी का आपको याद रहता है, सेकंड नंबर का क्राइम यू ही नहीं है। लेकिन भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ बहाना लगा करके बचा करता है और कुछ नहीं कर रहा। भगत सिंह ने जान दे दिया इसके लिए, इस भारत ने इसके लिए खत्म से करना जान दिया। देखो इस साधारण इंसान नहीं रहे, शायद आपको याद है या नहीं, पर मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, जो भगत सिंह थे 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे झूले, वो चाहते तो पूरे जवानी के अंदर रैली बनाते थे तो अजासी कर सकते थे, उन्होंने अजासी नहीं किया। देश के नाम पे लूट गए, मर गए देश के नाम पे, फांसी पर चढ़े। शहीद आजम का किताब मिला भगत सिंह, आज किसी में नहीं दिखाई देते। खत्म हो गए देशभक्त, देशभक्ति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद। थोड़े से चंद पैसे के लालच में जैसे मीर जाफर ने पलासी के युद्ध में गद्दारी किया देश से, वैसे यार नेता विदेशी कंपनी के साथ समझौता करते हैं और देश के साथ गद्दारी कहते हैं। कैसे कह दूं देश आजाद हो नहीं हुए आजाद? एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गुलाम बना दिया, 1000 विदेशी कंपनी भारत को गुलाम नहीं बनाएगा, आप कैसे सोच रहे हो? फिर से गुलाम हो गए जब 47 में देश आजाद हुआ तो 1 रुपये का लोन नहीं था, आज कर्ज में डूब डूबा है पूरा सरकार। कहते हो आजादी आ गया, यही डेवलपमेंट हुए 72 साल हो गए कि गुलाम बना दिया देश को आजादी के नाम, लोग पूरे डूबे हुए, धान खरीदने के लिए भी लोन लिया जा रहा है विदेश से। अगर पैसे नहीं आपके पास था तो आप पूंजी बढ़ाओ, लोन लेकर काम नहीं करता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक मरीज को आप उधार के ब्लड ला करके बाहर से ब्लड देकर के जिंदा नहीं रख सकते जिस जैसे मरीज को, वैसे ही भारत देश में हमें पूंजी बढ़ाना चाहिए। भारत देश में प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन दुख इस बात का है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी दे दिया जाता है। आप गांधी
किसान जिस भाव में चाहे बेचना उस भाव में नहीं बेचा कर नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि ये किसान का डेवलपमेंट होगा तो ग्राम कैसे बना दे। आज भी वही हो रहा है, कोई भी विदेशी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो अपना रेट फिक्स करता है, किसान के साथ ऐसा नहीं है, उनको मारा जा रहा है भाई। और कहते हैं डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। बताए आपको लाला लाजपत राय मरे कैसे? भगत सिंह को फांसी क्यों हुआ? एक साइमन कमीशन आया था अंग्रेजों की तरफ से, साइमन कमीशन का था कि और कठोर बनाओ यहाँ के तक। क्यों कठोर बनाओ यहाँ के तक? क्योंकि इनको गुलाम बना ले ताकि और इनमें कठोर दंड हो। उसी का आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय, पर उन्होंने हिंसा नहीं किया है कभी, नियंत्र होकर के आंदोलन किया। लेकिन सैंडर्स नाम का अधिकारी इंडियन पुलिस एक्ट के बल पे लाठी से सर पे पीट पीट करके मारा और लाला लाजपत राय की आत्मा को शांति। केस किया उसपे अंग्रेज अधिकारी के सैंडर्स पे, तो केस का रिजल्ट ये आया कि इंडियन पुलिस एक्ट के तहत से जो भी किया है सैंडर्स ने उसमें कोई गलती नहीं है सैंडर्स का, वो बाइजन बड़ी हो गया। भगत सिंह ने उसकी भी कसम खा लिया, अंग्रेजी सरकार अगर न्याय नहीं देता तो न्याय मैं दूंगा, और भगत सिंह ने गोली मारी लाहौर जाकर। रिजल्ट क्या आया उसका? सैंडर्स का उन्होंने हत्या किया ही जब उनको फांसी दिया गया। तो जब प्रेस में पूछा गया भगत सिंह से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, भगत सिंह का स्टेटमेंट रहा कि मैं जिस इंडियन पुलिस एक्ट के चलते लाला लाजपत राय मरे हैं उनको उनके लिए अब गोली मारा सैंडर्स को, तो मैं मर रहा हूं, मैं आने वाले पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं कि ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक कि खत्म नहीं हो जाता। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट रहा। सब लोग भूल गए, याद नहीं किसी को। सिर्फ और सिर्फ काम जो हो रहा है कंप्यूटर पे किसे याद अब हल्दी घाटी नहीं है, महाराणा प्रताप पर रहते हो हल्दी घाटी का, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर होते। आखिर में मैं कंक्लूजन आपको देता हूं, आप भाषा के स्तर पे, भोजन के स्तर पे, सभी आप कल्चर के स्तर पे भारतीयता में जिए, भारतीयता में जिंदा रखिए, भारतीयता में विश्वास रखिए, यूरोपियन मत बनिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्ति क्या है आपको समझ में आ गए होंगे। अब तक ज्यादा मैं विश्लेषण में अब नहीं जाना चाहता, सबका समय और काफी कम बचेगा। आपने ध्यान सुना, सुना मैं आपका आभार करता हूं। और जो चीजें मैंने बोला है अगर आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपका और मैं आभार करता हूं और आभारी रहूंगा। दूसरों को बताए तो और ज्यादा आभारी रहूंगा। देश का फ्यूचर आपके हाथ में, मेरा तो काम था मैंने कर दिया आपको बताकर।